पब्लिक न्यूसेंस फैलाने के लिए नहीं गई थी। मेरा सिर्फ ये मैसेज था कि लोग रूल्स फॉलो करें और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हर साल 1.5 से 2 लाख लोग की जाने जाती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, और अभी इतना कोरोना चल रहा है, कोविड की वजह से लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। तो मेरा मकसद, जिस हिसाब से मेरा मैसेज पहुँचाया जा रहा है लोगों तक, वो गलत है। मेरा जो एक्शन है वो डेफिनेटली गलत है। मैं नहीं चाहती कोई इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ को रिपीट करे, क्योंकि वो डेंजरस है, रिस्की है। कोई बच्चा आके कोई और करता है तो वो बहुत ही खराब होगा, वो मैं भी नहीं चाहती। तो मैं नहीं चाहती किसी को इन्फ्लुएंस करना, और ना ही ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा मैंने मास्क पहना, और अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे मास्क पहनने दीजिए। तो ये अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो मैं मास्क उतार के करती, मैं वो भी रूल तोड़ती, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इस बात से दुख पहुँचा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं लोगों को अवेयर करूँ। ट्रैफिक पुलिस के साथ आने वाले समय अवेयरनेस अभियान का हिस्सा होंगे। हाँ जी, हाँ जी, डीएसपी सर से बात हो गई है। आगे जो भी जितने भी कैंपेन्स होंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश करूंगी और उनके साथ मिलकर काम करना जरूर पसंद करूंगी।